Assalamualaikum guys, welcome back again to our channel Pakistani Bangla. Reactions guys, apnara kemon achen? Ami bhalo achi. Alhamdulillah. So guys, my name is Hassan Asif and I'm Ahmad Latif. So pehle hum title bata dete hain ki Pakistan versus Bangladesh country comparison hone wali hai. Ye military comparison par mehdood nahi rahega, iske economy ke bare mein baat ki jayegi, GDP ke bare mein baat ki jayegi, per capita ke bare mein, military ke bare mein, defense ke bare mein, education, literacy, inflation, poverty and everything. Aur uske baad आपके पास नतीजा आ जाएगा कौन सा कंट्री ज्यादा अच्छा है. बट मेरे हिसाब से और माद के हिसाब से नहीं बताना वीडियो के बाद बता रहे हैं. आ रहा था वीडियो के बाद बता रहे हैं. उससे पहले यार आप लोग जो है ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जो करते हो यार उससे काफी ज्यादा हमें ड्राइव मिलती है. मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं यार 16 लाइक आ गए. कैसे आ गए? मतलब इतने सेकंडों में ही लाइक्स आ जाते हैं. हाँ. तो आपका बेहद शुक्रगुजार. थैंक यू सो मच गाइस. और आप ऐसे ही हमें मोहब्बत देते रहे, इससे हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको एंटरटेन. आपको एडवांस कंग्रेचुलेशन 16 दिसंबर की अभी आने वाला है इंशाल्लाह. हम वीडियो उस पर सेपरेट भी बनाएंगे, उसमें टेंशन ना. लेकिन वैसे ही कह रहे हैं एडवांस जी कंग्रेचुलेशन, आपका विक्ट्री डे आने वाला 16 दिसंबर को. तो विदाउट एनी डिले मैं कहता हूं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ. बिस्मिल्लाह. देखते हैं कौन सा देश आगे है, कौन सा मुल्क आगे, कौन सा कंट्री आगे. 3, 2, 1 स्टार्ट. इमरान खान शेख हसीना वाजिब जी इमरान खान. पाकिस्तान बांग्लादेश एरिया. एरिया तो पाकिस्तान का ज्यादा है तुम्हें पता है. अच्छा तो ये क्या पाकिस्तान इंडिया लैंड के लिए. अच्छा ठीक हो गया, कश्मीर की बात कर रहे हैं. इंडिपेंडेंस 14 अगस्त है, ये मार्च 26 है. ओके अच्छा 1971. अच्छा विक्ट्री डे है ना इनका 16 दिसंबर को. पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की ज़्यादा है बट इनकी भी कोई कम नहीं है. 17 करोड़ के साथ बिल्कुल लगभग है, बहुत पॉपुलेशन है भाई. अच्छा एज ज़्यादा है इनकी बांग्लादेश की होगी. हाँ है ज़्यादा है इनकी. क्या बात है जी. एज एक्सपेक्टेंसी इनकी और जापान की बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में. गवर्नमेंट फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक यूनिटरी डोमिनेंट पार्टी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. ये भी अलग एज सिस्टम थोड़ा डिफरेंट. सर लिटरेसी रेट चेक कर लें. चेक कर लें आप. बांग्लादेश का ज्यादा है. वीमेन एम्पावरमेंट 12% ज्यादा है. और ये कम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो बाद में बात करते हैं इस बारे. अच्छा, में बादशाही मॉस्क और लाल बाग फोर्ट. अच्छा ये कुछ फेमस प्लेसेस के वाले से. अच्छा जब डिफेंस बजट देखा जाए तो 12 बिलियन है उधर बांग्लादेश का, 4 बिलियन यूएस डॉलर है. ठीक है डिफेंस में पाकिस्तान बहुत इन्वेस्ट करता है. हाँ लैंड पावर. ओके मतलब ग्राउंड लेवल पे ठीक है. मतलब हर चीज में भी पाकिस्तान फिलहाल इसमें जो है ना ज्यादा मिकदार है. हाँ डिफेंस में मैंने बात की है ज्यादा स्पेंड कर रहा है पैसा. नेवल पावर में मुझे लगता है बांग्लादेश ज्यादा होगा. नेवल पावर में देखा ज्यादा है. नहीं सब मैरीन पाकिस्तान के पास ज्यादा है. हाँ पाकिस्तान बाकी चीजें जो है ना सन फ्लीट वगैरह सारी चीजें वो बांग्लादेश है. गाइस ये लेटेस्ट है, कल परसों पता नहीं मेरे गालिबन हफ्ता पहले ही हुआ. एयर पावर एयरफोर्स में बिल्कुल ठीक है जी. पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा हैं जेट्स वगैरह 1000 प्लस हैं. बांग्लादेश के पास ऑलमोस्ट 200. बट अब जाके ना डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश ने. वो डीलें की हुई है, डील्स की हुई है. टॉप अलायंस क्या. अच्छा बांग्लादेश के साथ इंडिया और जापान और टर्की है. सऊदी अरब जो है ना, अब हमारा सऊदी नहीं है भाई अभी फिलहाल नहीं है. टर्की वैसे अच्छा है, वैसे रिलेशन हमारे टर्की तो अच्छे हैं लेकिन सऊदी के साथ इतने अच्छे नहीं है रिलेशन. उसके रीजन बाद में बताते हैं. शिप्स चेक करो सर. 76 रेलवे ऑलमोस्ट 3 times ज्यादा वो एरिया के हिसाब से. जीडीपी सर दिखाएं फिर आप बताएं बात करें. बांग्लादेश 324 पाकिस्तान 263. इस टाइम गाइस 411 जीडीपी है आपको मैं बताता चलूं बांग्लादेश की. ओ ये क्या है पर कैपिटा. पर कैपिटा में तो बांग्लादेश में था इंडिया से भी आगे है. इंडिया के 2500 करीब करीब दोनों 2500. हाँ बांग्लादेश ने क्रॉस कर लिया. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. अच्छा इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है मजबूत है. हमारा सर्विस सेक्टर मजबूत है बिल्कुल. एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ लैंड ज़्यादा है हमारे पास इसलिए मजबूत है. थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं है. माइनिंग कोल प्रोडक्शन
अच्छा ये काफी कम है बांग्लादेश बिकॉज़ ऑफ लैंड 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 एरिया बहुत ज्यादा रिवर एरिया ज्यादा है ना बांग्लादेश के पास। इलेक्ट्रिसिटी 0.137089 मिलियन ठीक है जी। रिचेस्ट पर्सन वो कौन है भाई? प्रिंस मूसा। अच्छा शाहिद खान के पास पैसे कम है भाई मूसा से? हाँ जी पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं अब रहता ये शायद बाहर रहते हैं यूके पता नहीं यूएसए में। ये क्या पॉवर्टी बांग्लादेश के अंदर 6.8% है और पाकिस्तान के अंदर 4.4। अच्छा ये तो सर हमें पता है एक्सपोर्ट में तो टेक्सटाइल और इधर हमारे क्या है उधर। अच्छा फूड हमारे फूड वगैरह में इम्पोर्ट फूड फल वगैरह सर ये चीज़ होती है असल हमारी इंपोर्ट कितनी ज़्यादा है बहुत उनकी कम है वो खुद मतलब एक्सपोर्ट पे ज़्यादा करते हैं इंपोर्ट कम करते हैं ये चीज़ बहुत जो है ना वो अफेक्ट करती है। इस्लाम बिल्कुल दोनों कंट्रीज में इस्लाम ही है मेजर रिलीजन। अच्छा ये जो है ना फिगर मुझे सही लग रहे हैं रिलीजन हाँ, वाले हाँ मुझे सही लग रहे हैं। अच्छा जी फूड्स आ गई। अच्छा बिरयानी उधर पंटा इलिश ये तो नहीं सुना पहले कभी नाम यार मैंने खुद नहीं सुना भाई ये क्या है बताइएगा। बिल्कुल नेशनल एनिमल है उनका रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल टाइगर्स पाकिस्तान बंगाल रिएक्शन बिल्कुल क्रिकेट ये फेमस है वैसे हमारी नेशनल तो हॉकी है फुटबॉल बहुत ज्यादा क्रेज अच्छा बांग्लादेश में ना। मेडल्स की बात करो जी ओलंपिक्स में अच्छा जीरो पाकिस्तान भी भी कुछ खास नहीं है पाकिस्तान भी बहुत कम है टेन है लेकिन फिर भी अच्छी बात है चलो कुछ आए तो हैं पाकिस्तान है, कुछ ना होने से बेहतर। नोबेल प्राइजेस अबे दो दो मलाला यूसुफ़ज़ई आई थिंक ऐसे ही हाँ शायद मलाला को भी मिला हुआ। इंटरनेट यूजर्स 69% की पॉपुलेशन यूज करती है इंटरनेट हमारी 55% उनकी 12 करोड़ आबादी इंटरनेट यूज कर रही है बिल्कुल ऐसी है ना। टेम्परेचर भी मेरे ख्याल सेम ही रहता होगा वो लोवेस्ट यार वो सकर्दू टाइप लद्दाख और स्पीकर की मेरे ख्याल से ना। टूरिज्म बांग्लादेश 0.4 पासपोर्ट पावर 45 स्कोर है पाकिस्तान का 38 स्कोर है। अच्छा आउट ऑफ 100 ये नहीं पता मुझे हैप्पीनेस इंडेक्स भाई बांग्लादेश ज़्यादा खुश है हमसे बिकॉज ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ग्रीनरी वहाँ बहुत ज़्यादा है। गोल्ड रिजर्व भी बांग्लादेश के पास ही ज़्यादा होंगे नहीं नहीं अच्छा हमारे पाकिस्तान के पास अंग्रेज जो ले गए जो अंग्रेज ले गए भाई अंपायर कंपैरिजन। ओके जी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं जी काफी जबरदस्त मजे का कंपैरिजन था एंजॉय exactly. किया सबसे मतलब पहले बात करते हैं इकॉनमी के वाले से उन्होंने लिखा था 300 समथिंग राइट क्योंकि वो अपने हिसाब से ठीक है हाँ. तो जब आप गूगल करते हैं तो विकिपीडिया यही शो करता है फिगर बट हाँ. जो एक्चुअल में है ना इस टाइम 411 को क्रॉस कर चुका है 411 बिलियन यूएस डॉलर्स को बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रॉस कर चुकी है जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 के करीब करीब है 300 से ऊपर है इस टाइम ऊपर नीचे यही समझ ले 300 के करीब। ये ना कहिएगा यार ये पुरानी वीडियो थी है नहीं उन्होंने अपनी तरफ से जब गूगल किया तो विकिपीडिया पे यही मिला बट एक्चुअल में 411 यूएस डॉलर्स के राउंड अबाउट जी मान गई। बाकी हर चीज में हमें देखें नजर आया पॉवर्टी लेवल भी जो है वो बंगला दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल नजर आया। लिटरेसी रेट बांग्लादेश का काफी जबरदस्त है मतलब 12% ज्यादा है 1% डिपेंड करता है असल जब आपने हर चीज में ग्रो करना हो ठीक है। हाँ पाकिस्तान की मिलिट्री पावर ज्यादा नजर आई हमें क्योंकि बजट भी ज्यादा एलोकेट होता है हमारी मिलिट्री के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स भी सिर्फ इन्हीं के पास है मुस्लिम कंट्रीज में अगर देखा जाए और वैसे भी कहा जाता है पाकिस्तान आर्मी मतलब जो है ना इस रीजन में मुस्लिम कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग है ठीक है। इसके हवाले से अगर एजुकेशन मैं अभी भी कहूँ एजुकेशन में यार बांग्लादेश ने काफ़ी काम किया है ठीक है। हर नई फैक्ट्री मुझे सुनने में आया कि जो भी नई फैक्ट्री या कोई इस तरह का इंडस्ट्रियल जोन बनता है उसके साथ स्कूल्स बना दिए जाते हैं सर यार मैं हैरान जबरदस्त इतनी स्ट्रेटजी इनकी ये चाइना ये स्ट्रेटजी करता है मैंने पढ़ा है उनके बारे में स्टडी किया ये वो यही बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है वुमन एम्पावरमेंट वीमन बांग्लादेश से कोई सीखे मैं कहता हूँ कि जो भी हमने रिएक्शन दिए कुछ फैक्ट्रीज वगैरह जो थी ना इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज औरतें ज्यादा काम कर रही हैं मर्दों के और हमारी इंडस्ट्रीज में आप देखें तो यार हमें नजर नहीं आती इतनी औरतें की पॉपुलेशन अगर आप देखें ना तो वीमन ज्यादा हैं औरतें ज्यादा हैं मर्द बट कारखानों में इंडस्ट्रीज में मर्द हजरात मेल्स को नजर नहीं बहुत कम है
तो इस हवाले से और भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन असर अंदर हुए, छोटे छोटे मतलब चीज़ों के हमने देखे, बट उनमें हमने देखा यहाँ तो बराबर रहा काम, या बांग्लादेश थोड़ा सा सुपीरियर रहा। एज एक्सपेक्टेंसी के बारे में सबसे स्टार्ट किया, देखें गाइस 70 प्लस एज एक्सपेक्टेंसी है बांग्लादेश की, जापान की 75 प्लस है। अच्छा। क्योंकि वो उनकी एज एक्सपेक्टेंसी, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, ये कंट्रीज है ना, इनकी एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है बिकॉज वहाँ हेल्थ अच्छी। दूसरी बात, खासे एक्सरसाइज, योगा, कराटे, इन कामों में लगे रहते हैं, मतलब फिजिकल, असल में वो फिजिकल वो सही है, मसाले शसाले वो भी नहीं यूज करते, नमक प्योर, जैसे हमारे पठान है। हाँ। इनकी एज ज्यादा होती है एक्सपेक्टेंसी। अच्छा। हमारे पंजाबियों सराइकियों की एज एक्सपेक्टेंसी 50 के राउंड, मतलब स्पाइसी फूड्स और जब से ऐड किए हैं ना जंक फूड्स वगैरह, ये बर्गर हो गए, शवारमा, ये हम लगे हैं, आपको हर चीज मिलेगी, जो कढ़ाई जो भी, बट उनके मसाले आप देखना बहुत लाइट होंगे, लाइट होंगे। बिल्कुल जबरदस्त हसन आपने बात की है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यार लैंड का काफी ज्यादा फर्क है, लैंड जो पाकिस्तान के पास है वो काफी ज्यादा है बांग्लादेश से, बट उसके बावजूद बांग्लादेश ने पर कैपिटा में क्रॉस की है, इकोनॉमी में भी क्रॉस की है, जीडीपी में भी क्रॉस की है, जीडीपी जो कि इन्होंने जिक्र नहीं किया उसका, आई थिंक हम खुद कर देते हैं। अच्छा, टूरिज्म लिखा हुआ था। हाँ। यार बांग्लादेश के अंदर कम है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है, ये पता नहीं, समझ नहीं है मुझे, ये बाकी है, दुरुस्त है, राइट है ये इन्फॉर्मेशन, इसको मैं सर्च करूंगा इस वीडियो के बाद ना, कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ था टूरिज्म एक साल के अंदर है 6.6 ऑलमोस्ट मिलियन। इस बारी में, हाँ, ये इस क्या चक्कर है? असल में वजह ये है कि पाकिस्तान को ना इस साल बहुत ज्यादा टूरिज्म मिले। हाँ। तो पहले कभी आते नहीं थे, हजारों की तादाद में आते, वैसे मैंने भी बहुत व्लॉगर्स देखे हैं, अब बिकॉज ऑफ व्लॉगर आते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वही बात होगी जब जो हम कह रहे हैं, जो हम हमेशा कहते हैं, जो क्रिएटर्स हैं वीडियो बनाते हैं उनको प्रेस किया करें भाई, उनको लाइक किया करें, कमेंट किया करें कि भाई आप बनाओ, हम आपके साथ हैं, वो उनको देखकर वो फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, हाँ, टूरिस्ट उन ब्लॉगर्स को देखकर ना टूरिज्म बढ़ता है। फिर तो मैं देख रहा हूँ आजकल काफी ब्लॉगर्स लगे हुए कराची में, कोई होंगे लाहौर, उन्हें जो कमेंट लगे होते हैं, वी विल ऑल्सो विजिट पाकिस्तान, ये वो, तो ये चीज काफी जो है ना मोटिवेट करती है बाकी फॉरेनर्स को। इसलिए आप कोशिश करें, आपके जितने भी ब्लॉगर्स हैं बांग्लादेश के, उनको आप सपोर्ट करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें, ताकि उनकी वीडियोस फिर पूरी दुनिया में जो है ना फिर YouTube दिखाएगा, तो आपका बांग्लादेश का भी टूरिज्म काफ़ी इंक्रीज होगा और मज़ा आएगा इस चीज़ से, आप इस चीज़ को मतलब फील करेंगे, यार ये फ़ायदा हो रहा है अभी। हाँ। और हम आपको बताएं एक और भी हसन इसमें चीज़ है, आपने देखा इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो ना अपनी टाइम लाइन में हर 2 महीने बाद कोई नॉर्दर्न एरियाज की तस्वीर डाल देते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने नोट किया, पहले आज तक नहीं, उनके फेसबुक पे 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ। और बहुत ज़्यादा जो है ना फॉरनर्स हैं इंग्लैंड के, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं ना एज अ क्रिकेटर इमरान खान को। हाँ। तो उनसे भी काफ़ी मतलब होता है, तो इसलिए आपके जो पॉलिटिशियंस हैं ना उनको भी मेरे ख्याल से चाहिए, शेख हसीना वगैरह उनके जो, कि वो भी इस तरह की पोस्ट डालें जो ब्यूटीफुल एरियाज हैं ना बांग्लादेश के, उनको प्रमोट करें, फिर मज़े की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के जो अमीर थे उन्होंने बताए शाहिद खान, मेरे ख्याल में यार शाहिद खान को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में अब नहीं है, अब नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आसफ अली जरदारी है जो कि बिलियनर है, उसके अलावा कोई नहीं है, मलिक रियाज भी होंगे काफी, लेकिन इतने नहीं है, हो सकता है पैसा छुपाया हो, ये भी हो सकता है, जरदारी जो है ना वो 2.1 समथिंग बिलियन डॉलर है, बट जो है इनके बारे में बात की जाए तो वो उनके पास है 14 बिलियन डॉलर्स, कौन है, प्रिंस मूसा। तो गाइस आप वीडियो खत्म करते हैं, बहुत एंजॉय किया यार वीडियो, काइंडली वीडियो को सजेस्ट किया करें कमेंट सेक्शन में, हम आपकी वीडियोस को चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम जरूर देंगे रिएक्शन, तो अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।